हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे
हरे रामा रामा राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे जय निताय गौरंगा 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 जय कृष्ण बले राम कृष्ण बले राम जय जय कृष्ण बले राम जय जय कृष्ण बले राम बले राम जय जय कृष्ण बले राम जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय राधा कृष्ण चंद्र राधा कृष्ण चंद्र राधे जय जय श्रीला प्रभुपाद 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 जय 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 श्रीला प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा सभी को। तो आज जैसे हमने कहा कि चैप्टर नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट करेंगे हम लोग। टोटल 78 श्लोक है चैप्टर नंबर 18 में और इसमें से लगभग 39 श्लोक आज हम करेंगे और रेस्ट 39 श्लोक हम कल करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये आखिरी अध्याय है भगवद गीता का जो हम सबके लिए एक पथ प्रदर्शन बनेगा, हम सबको सबका मार्गदर्शन बनेगा ये वाला जो अध्याय है। तो सभी लोग इसको अच्छे से करिएगा, एक एक चीज मैं आपको समझाते जाऊंगा, कोई भी लीव नहीं करेगा, अच्छे से समझते जाइए, सारी चीज अच्छे से आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। हरे कृष्णा, स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। सभी को स्क्रीन विजिबल है, एक बार कमेंट कर दीजिए आप लोग, सभी को स्क्रीन विजिबल है क्या, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, विजिबल है स्क्रीन। सबको मेरी आवाज आ रही है, स्क्रीन विजिबल है, सबको सही हो तो आगे स्टार्ट किया जाए, एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए जैसे मुझे मालूम चल जाए सारी चीजें क्लियर।
आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन क्लियर है क्या? कोई लिख दे एक बार कमेंट बॉक्स में कि उसको प्रॉपर तरीके से व्यू है सब कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रही है आवाज? चलिए ठीक है, चैप्टर नंबर 18 हम स्टार्ट करते हैं। कोई अगर दिक्कत हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, तो चैप्टर नंबर 18 का नाम है मोक्ष संन्यास योग। क्या नाम है? मोक्ष संन्यास योग। यहाँ पे सन्यासी की भांति बिहेव करके किस प्रकार से हम भगवान से जुड़ के मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। सन्यासी क्या है? क्या सन्यासी मतलब घर बार छोड़ देना, या सन्यासी मतलब होता है मन से सन्यासी होना, क्या चीज है, इसके बारे में भगवान इस अध्याय में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम श्लोक नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। अर्जुन बोलते हैं यहाँ पे, अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्व विच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशनिषूदन। अब अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? हे कृष्ण, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक, और हे केशिनीशुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन? हे महाबाहो, हे भगवान कृष्ण, मैं त्याग के बारे में जानना चाहता हूँ। त्याग का उद्देश्य क्या है? त्याग क्यों किया जाता है? त्याग करने से क्या प्राप्त होता है? और हे नारायण, हे केशिनीशुदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग के विषय में जानना चाहता हूँ, इसके उद्देश्य में के विषय में जानना चाहता हूँ, और त्याग में जीवन कैसा होता है, संन्यास आश्रम क्या होता है, त्याग में जीवन होता क्या है, और इसका उद्देश्य क्या होता है? क्या हम सभी को घर बार छोड़ देना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए? इसका उद्देश्य मैं जानना चाहता हूँ, यानी त्याग का और त्याग में जीवन का दो चीज का उद्देश्य यहाँ पे अर्जुन कह रहा है मैं जानना चाहता हूँ, और वो भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछ रहा। ठीक है, फिर आगे 18 पॉइंट में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच कामयानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास करते, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सन्यास क्या है? किसी भी तरह का सांसारिक कर्म न करना, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों का परित्याग, यानी ऐसा कोई भी काम जो हमारे भौतिक सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति करने वाला, मान लीजिए कहीं ड्यूटी कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ काम कर रहे हैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा चीज जो भौतिक चीजों की पूर्ति के लिए हो, जो सांसारिक चीजों की पूर्ति के लिए हो, वह चीजों का त्याग क्या है? जो लोग त्याग कर देते हैं उसका वो संन्यास होता है। और त्याग क्या है? जो भी व्यक्ति कर्म करता है उसके फल की आसक्ति का त्याग, जो उसे फल चाहिए उसका त्याग, फल के बारे में चिंता ना करना, आउटकम के बारे में चिंता ना करना, सिर्फ अपने एफिशिएंसी और वर्क पर ध्यान देना, जो अपने रिजल्ट्स का जो भी आउटकम है उसको त्याग देता है, वह त्यागी है। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, त्याग और संन्यास में क्या अंतर है? तो भगवान बोलते हैं, जो अपने सांसारिक कर्मों को, जितने भी सांसारिक कर्म है, त्याग देता है, सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक काम करता है, यानी भगवान को, भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, और उसके अलावा जितने भी सांसारिक कार्य है सभी को त्याग देता है, उसको संन्यास कहते हैं। और जो व्यक्ति अपने कर्म के फलों का त्याग करता है और भगवान को याद करके अकर्म करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति जो करता है उसको त्याग कहते हैं, और जो सांसारिक कर्मों का त्याग करता है उसे संन्यास कहते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे 18.3 में भगवान कृष्ण कहते हैं, त्याजयम दोष के कर्म प्रागु निशिना यज्ञ दान तपः कर्मणा त्याज्य त्याज्यमिति प्रचापरे। अब भगवान कृष्ण कहते हैं यहाँ पे, कुछ विद्वान यानी नॉलेजेबल लोग
घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे आती है, एक भाव आता है कि कई ऐसे विद्वान हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जो यह कहते हैं हमें संन्यास का मतलब समझते हैं कर्महीन होना, किसी भी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना, समस्त प्रकार के कर्मों को त्याग देना। ठीक है, यहाँ पे सकाम कर्म का प्रयोग हो, ठीक है, सकाम कर्म यानी वो सारे काम, वो सारे कर्म जिसके जिस काम के पीछे हमारी इच्छा हो, ये हमें रिजल्ट चाहिए, ये मिलना चाहिए, रिजल्ट के प्रति आसक्ति हो। तो कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि अगर हम कर्म के जो फल है उसमें आसक्ति रखकर यानी सकाम कर्म करते हैं तो समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब चूंकि यज्ञ कभी कभी लोग कई उद्देश्य से करते हैं, दान भी कभी कभी लोग किसी उद्देश्य देते किसी उद्देश्य के कारण देते हैं, तपस्या भी किसी एक भावना से करते हैं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो एक तरफ जो कुछ विद्वान लोग कुछ ऋषि मुनि लोग कहते हैं कि हमें समस्त सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए, वो कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिसके पीछे कोई इच्छा जुड़ी हो, लेकिन वहीं पे कुछ विद्वान करते हैं सकाम कर्म को त्यागना ठीक है लेकिन तीन चीज यज्ञ दान और तप इसमें भी सकाम इसमें भी हमारे रिजल्ट जुड़े होते हैं, हम इसके पीछे का देखते हैं कि यज्ञ करेंगे तो हमको ये मिलेगा, हमारी इच्छा जुड़ी होती है, दान करने से हमको ये मिलेगा तो ये भी हमारी इच्छा जुड़ी होती है, तपस्या से भगवान से हमें ये वरदान मिल जाएगा तो यहाँ भी हमारी इच्छा जुड़ी होती है। तो ऋषि मुनि कहते हैं कि दान तपस्या और यज्ञ ये तीनों को छोड़ के जितने भी सकाम कर्म है उन सबको त्याग देना चाहिए जो कि दोषपूर्ण है, ऐसा यहाँ पे भगवान कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 4 में, निश्चय श्रीनु मे तत्र त्यागे भरत सप्तमं त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संकीर्तिति। यहाँ पे भगवान कहते हैं हे भरत श्रेष्ठ, हे अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। ये त्याग क्या होता है? त्याग मतलब कर्मों के फलों का त्याग। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, शास्त्रों में जो त्याग है, त्याग यानी फलों की इच्छा का त्याग, फलों की इच्छा को त्यागना छोड़ना। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, शास्त्रों में त्याग तीन प्रकार का बताया गया है। किस प्रकार का? यज्ञ दान तप कर्म न त्याजयम कार्य तत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। अब भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान ने पहले कहा कि कुछ विद्वान मानते हैं यज्ञ का, दान का और तपस्या का, इन कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही इनके साथ सकाम कर्म की इच्छा जुड़ी हो, इनके साथ ये कर्म निष्काम ना हो, फिर भी ये कर्म को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, भले ही किसी इच्छा से जुड़े होते हैं ये सब, लेकिन ये सभी के सभी साधु पुरुष यानी महात्माओं को शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, यज्ञ दान और तपस्या ये तीनों के तीनों कर्मों को कभी जीवन में नहीं त्यागना चाहिए, हमें इन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्मा को भी शुद्ध बनाते हैं, ऐसा यहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 18.6 में, एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम्। यहाँ पे भगवान कहते हैं कि इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया यज्ञ तपस्या और दान, ये तीनों में फल की आसक्ति जुड़ी होती है, लेकिन भगवान अब आगे इसी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इन तीनों चीजों को बिना किसी फल की आशा के संपन्न करना चाहिए तो ज्यादा लाभदायक होता है। हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है जो यज्ञ है, तपस्या है, दान है, ये सब सात्विक होना चाहिए। सात्विक यानी बिना फल की इच्छा के ये सारे के सारे कर्म होने चाहिए। अगर ये कर्म फल की इच्छा से होंगे तो ये सब राजसिक कहलाएंगे या तामसिक कहलाएंगे। तो बिना फल की इच्छा के किए जाने वाला कोई भी यज्ञ, कोई भी तपस्या, कोई भी दान हमेशा सात्विक होता है और
भगवान ने कहा, मैं पहले बताया अर्जुन, इसे अपना कर्तव्य मान कर करो। मेरा कर्तव्य है दान करना, मेरा कर्तव्य है यज्ञ करना, मेरा कर्तव्य है तपस्या करना, इसके रिजल्ट के बारे में मत सोचिए। रिजल्ट देना तो भगवान नारायण का काम है, उनके हाथ है, हमारे हाथ में कर्म करना है। तो हम बिना किसी फल की आशा के इन तीनों धर्मों का पालन करें, यज्ञ दान और तपस्या, इन तीनों चीज का पालन करें और अपने जीवन को खुद संपन्न बनाएं, और इन्हें अपना कर्तव्य मानकर हमें अवश्य करना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 7 में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियतस्य तु संन्यासः कर्मणोपपद्यते मोहात्तकस्य परित्यागस्य त्यागस्य तामसः परिकीर्तितिः। भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, हे अर्जुन, निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट यानी जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं, जो भी हमारे रोजमर्रा के काम है, जो हमारे कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी अपने परिवार के प्रति है, हमारी जिम्मेवारी अपने लोगों के प्रति है, उनका निष्काम रूप से अपने कर्तव्य का पालन करें, उनका भरण पोषण करें। भगवान कहते हैं, अगर कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, तो ऐसा त्याग तामसिक कहा जाता है, ऐसा त्याग सात्विक नहीं कहा जाएगा। त्याग है क्या? त्याग यानी अपने कर्म के फलों का त्याग। लेकिन कई बार लोग समस्त कर्मों का त्याग कर देते हैं, अपने कर्तव्य को त्याग कर देते हैं, ये गलत है। भगवान कहते हैं, आप अपने कर्मों का त्याग मत कीजिए, कर्म के फल का त्याग कीजिए, अपने कर्तव्य का त्याग मत कीजिए। जो आपका ड्यूटी है, जो रेगुलर ड्यूटी है, आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति नहीं करनी, अभी तो आपके आश्रित जो परिवार जन है, उनकी उनके लिए भी आपको भोजन की व्यवस्था करनी है। भोजन की व्यवस्था तो भगवान नारायण करेंगे, आप एक निमित्त मात्र बनेंगे वो कर्तव्य का पालन करने के लिए, परंतु उस कर्म को छोड़ना मोहवश होता है। ऐसा कर्म छोड़ना, ऐसे चीजों का त्याग तामस त्याग कहलाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना किसी मोह माया में आए, निष्काम भाव से, और अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कर्म के फल के त्याग पे हमारा फोकस होना चाहिए, कर्म के त्याग पर, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, दुख मित एव यत कर्म काय क्लेश भयात यज्जेत स कृत्वा राज संत्यागम नैव त्याग फलम लभेत। भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 8 में, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उचित फल प्राप्त नहीं होता। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब कोई व्यक्ति जो भी उसके रोजमर्रा के काम है, उसको अगर सोचेगा कि ये सबसे कठिन काम है, मुझसे तो नहीं होगा, या शरीर में मुझे ये क्लेश है, मुझे यहाँ कष्ट होता है ये काम करने से, अगर इस चीज के साथ अगर कोई व्यक्ति किसी भी कर्म का त्याग करता है, तो ऐसा त्याग रजोगुण में आता है, और ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो हमें कभी भी अपने नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, भले ही हमें कितने भी कष्ट क्यों ना हो, परंतु नियत कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा त्याग रजोगुण में आता है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, कार्य मितेव यत कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अब भगवान कृष्ण कहते हैं श्लोक नंबर 9 में, हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक है। त्याग सात्विक कब है? कि जब मनुष्य अपने जो भी उसके रोजमर्रा के काम है, जो भी जिम्मेवारी भगवान ने उसको सौंपी है अपने परिवार की, उसको अपना कर्तव्य मानकर चलता है, और जितने भी उससे संबंधित सभी फल है, जितने भी संगति है, भौतिक संगति, उन सब से इन सबको त्याग करता है, उन सबका परित्याग करता है, फलों का परित्याग करके वह त्याग सात्विक कहलाता है। परंतु अगर अपने कर्तव्य का त्याग कर दे, है ना, अपने कर्तव्य का जब त्याग कर देता है व्यक्ति, अपने कर्मों का त्याग कर देता है, तो ऐसा त्याग राजसिक और तामसिक कहा जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, न द्वेष्ट य कुशलम कर्म कुशले नानु सज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशयम्। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कार्य से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रहता। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सत्व गुण में त्यागी बनता है ना, जो अपने कर्म के फलों का त्याग करता है,
ना तो उसको किसी अशुभ कार्यों से, अशुभ कर्मों से दिक्कत होती है, न शुभ कर्मों से दिक्कत होती है, ना उनमें आसक्त होता है। वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, उसको अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता, और वह इनसे लिप्त नहीं होता। शुभ अशुभ कार्यों से घृणा नहीं करता, शुभ कर्म से कभी लिप्त नहीं होता, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, नहि देह प्रीता सक्यम तय तुम कर्माणे शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी ते तय भी धियते। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वो वास्तव में त्यागी है। भगवान कहते हैं, इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी प्राणी बिना किसी कर्म के रह नहीं सकता। समस्त प्राणियों द्वारा समस्त कर्मों का परित्याग असंभव है, लेकिन जो कर्म के फल का त्याग कर देता है वह एक त्यागी बन जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कवचित्। अब भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो त्यागी नहीं है, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित इच्छा करने वाला, अनिश्चित बिना इच्छा के तथा मिश्रित मिला हुआ, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म का त्याग नहीं, अपने कर्म के फलों का त्याग नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों को मृत्यु के बाद इच्छित फल जो उसको चाहिए होता है वो फल, अनिश्चित फल जो उसको नहीं चाहिए होता है वो फल, और दोनों का मिला जुला फल मिश्रित फल, ये तीनों प्रकार के कर्म फल उसको मृत्यु के पश्चात मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है उसको कर्म फल का सुख दुख भोगना पड़ता है। वो जब व्यक्ति मरता है तो पुण्य की वजह से स्वर्ग को प्राप्त होता है, जो हर व्यक्ति चाहता है, और जब कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है क्या, नर्क को जाना, नर्क की यातना सहना, वो नहीं चाहता है, लेकिन उसको वो भी फल मिलता है, और स्वर्ग और नर्क मिला जुला भी मिलता है। अगर व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग जाता है, बुरा कर्म करता है नर्क जाता है, और मिला जुला कर्म करता है तो कुछ समय तक स्वर्ग में रहता है, फिर उसके बाद नर्क की ओर प्रस्थान करता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित तीनों प्रकार के फल होते हैं, जो कि मृत्यु के बाद उसको भोगने पड़ते हैं, मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है उसे ऐसे किसी फल के सुख दुख का भोग नहीं करना पड़ता, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान करते हैं श्लोक नंबर 13 और 14 में, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार, वेदांत यानी जो वेदों का ज्ञाता है, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण। यहाँ पे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो वेदांत है, जो वेदों के ज्ञाता है, उनके अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति, हम जो भी काम करते हैं उनको कंप्लीट करने के 5 कारण हैं। हम इस 5 रीजन से, 5 रीजन से, 5 कारण से इन समस्त कर्मों को करते हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। भगवान कहते हैं, कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म का स्थान, कर्म कहाँ पे करना है, ठीक है, दूसरा कर्ता, करने वाला कौन है, तीसरा विभिन्न इंद्रियां, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये हमारी अलग अलग इंद्रियां, चेष्टाएं यानी हमारी इच्छा तथा परमात्मा, ये 5 ही कारण है हमें किसी भी कर्म को करने के लिए। अगर हम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो उनके निमित्त हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर हमें सांसारिक संसार में रहना है तो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कर्म करना पड़ेगा, है ना, अपनी विभिन्न इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। कई व्यक्ति बुरे से बुरा कर्म कर जाते हैं, और करने वाला जो हम कर्म करते हैं किसी पार्टिकुलर प्लेस पे जाके कोई ना कोई कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं, 5 कारण है किसी भी कर्म को करने का, वह है कर्ता, कर्ता का स्थान, कर्म करने का स्थान, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 के 5 कर्म के कारण है, ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे भगवान कहते हैं, शिरर्वांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः न्याययम् वा विपरीतम् वा पञ्चचयते तस्य हेतवः। भगवान कृष्ण ने श्लोक नंबर 15 में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप है।
भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा जो भी उचित कर्म या अनुचित कर्म करता है, वह सब इन्हीं पांच कारणों के फलस्वरूप होते हैं। या तो हमारी अतृप्त इंद्रियां होती हैं, या तो हमें इच्छाएं अनेक होती हैं, या परमात्मा के लिए, या कर्म का स्थान, या कर्ता स्वयं। भगवान कहते हैं कि शरीर से जो भी कर्म किया गया हो, शरीर से किसी को दुख दिया गया हो या सुख दिया गया हो, मन से किसी के बारे में अच्छा सोचा गया हो या गंदा सोचा गया हो, या वाणी से किसी के बारे में अच्छा बोला गया हो, बुरा बोला गया हो, यानी उचित और अनुचित कर्म जो व्यक्ति अपने शरीर, मन और वाणी के द्वारा करता है, उसका कारण ये पांच कारण होते हैं। क्या क्या? हमारे इंद्रियों की आपूर्ति, हमारे मतलब कि इंद्रियों का असंतुष्ट होना परमात्मा कारण हो सकता है, हमारा जो काम वासना है वो कारण हो सकती है, ठीक है, और कर्ता और कर्म का स्थान, ये सारे के सारे कारण हो सकते हैं। फिर आगे भगवान करते हैं श्लोक नंबर 16 में, तत्रैवं सति कर्तारमात् पानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत्यबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अब भगवान कृष्ण श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण? भगवान ये कहते हैं कि जो इन पांच कारणों को न मानकर अपने आप को एकमात्र कर्ता मानता है, आपको टेक्निकल इश्यू है, मैं देखता हूँ। आपको टेक्निकल इश्यू हो गया था, हाँ, तो हम कहा थे, तो यहाँ पे फिर से हम एक बार श्लोक पढ़ देते हैं। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यति कृत्यबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वो जो कहता है, जो मनुष्य अपने आप को ही मानता है कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ और कोई कारण नहीं है, जो भगवान ने पांच कारण बताए थे, अपनी अपूर्ण इंद्रियां, परमात्मा, है ना, ये जो भी भगवान ने पांच कारण बताए थे, तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन पांच कारणों को ना मानकर अपने आप को मानता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता है और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है, कहता है कि समस्त कर्म मैं ही कर रहा हूँ, वह बुद्धिमान नहीं होता और वो वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख पाता, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। रागे प्रभु कहते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हतवापि स इमाल लोकान् हन्ति न निबध्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जो व्यक्ति मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, यानी जिसके अंदर अहंकार की भावना ना हो, जिसकी बुद्धि बंधी हुई ना हो, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मरता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अहंकारी नहीं होता, जिसकी बुद्धि कभी किसी भी प्रकार से बंधी नहीं होती, किसी भी बंधन से बंधी नहीं होती, वो भगवान के चरणों की अनुगामी होती है, वह इस संसार में अगर किसी को मारता है तो भी वो नहीं मरता। किसी को मारना मतलब अगर अधर्म कोई करता है और उसको सजा देता है तो उस व्यक्ति का कोई पाप नहीं लगता, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा हुआ होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसके अंदर अहंकार का क्षण मात्र भी नहीं है और जिसकी बुद्धि भगवान के चरणों में लगी हुई है, बंधी हुई नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी अगर किसी अधर्मी व्यक्ति को सजा देता है, अधर्मी व्यक्ति को मारता है, तो उसे पाप नहीं लगता, अभी तो वह पुण्य का भागी होता है, क्योंकि अधर्म का नाश करना एक पुण्य है, ना ही वो अपने कर्मों से बंधा होता है, ठीक है। तो ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। रागे प्रभु कहते हैं 18 श्लोक नंबर 18 में, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। अब भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञेय जो ज्ञान को, ज्ञेय
ज्ञान को देने वाला और ज्ञाता, जो ज्ञाता, ठीक है, ये ज्ञान, ज्ञे और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले, ठीक है। ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञाता यानी जो इस ज्ञान को जानने वाला हो, ज्ञे यानी जिसको ज्ञान दिया जा रहा हो। ज्ञान, ज्ञे और ज्ञाता, ये तीनों चीज कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक हैं। इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्म तथा कर्ता, ये तीनों के तीनों कर्म के संगठक हैं, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं। फिर आगे भगवान कृष्ण बोलते हैं श्लोक नंबर 19 में, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार बहुत कुछ होता है। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार हमारा स्वभाव बनता है। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार हमारे खाने पीने का ये बनता है कि कौन व्यक्ति क्या चीज खाता है, डिपेंड करता है उसका स्वभाव कैसा है, उसके अंदर कौन से गुण विद्यमान है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। या प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार हमें हमारा जो भक्ति है वो भी प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार होता है, सात्विक का अलग होता है, राजसिक का अलग होता है, तामसिक का अलग होता है। अब यहाँ ज्ञान, कर्म तथा कर्ता भी प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार है। क्या क्या है, 18.20 में भगवान कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक ज्ञान। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब ऐसा कोई ज्ञान है ना जो अनंत रूपों में जितने भी जीव जंतु इस संसार में है उन सब में एकमात्र भगवान को जो देख सकता है, ऐसा ज्ञान जो हमें समस्त प्राणियों में भगवान के दर्शन करा दे, एकमात्र कृष्ण के दर्शन करा दे, ऐसा ज्ञान सात्विक ज्ञान कहा जाता है। आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 21 में, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है उसे राजसी ज्ञान। भगवान कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर सभी जीवों में मेरे ही दर्शन करता है तो ऐसा ज्ञान जो उस व्यक्ति के पास है सात्विक ज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति समस्त जीवों में मुझे मेरे दर्शन न कर उन समस्त अलग अलग प्राणियों के दर्शन करता है तो वह ज्ञान राजसिक है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसिक कहा जाता है। भगवान कहते हैं, ऐसा ज्ञान जिसे मनुष्य किसी एक कार्य को, किसी एक प्रकार के कार्य को जो थोड़ा सा तुच्छ है, जो बहुत घटिया कार्य है, उसको सब कुछ मानकर बिना सत्य को जाने कर देता है। अगर हम कहें कि बुरे कर्म, किसी की हत्या, किसी का विनाश, किसी की कष्ट देना, बिना किसी ज्ञान के अगर किसी को हम कष्ट देते हैं तो ऐसा ज्ञान हमारा तामसिक ज्ञान है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती है, यानी जो प्रकृति है, जो उसके गुण है, उसके आधार पर कितने प्रकार की क्रियाएं होती है, तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। वो क्रिया क्या क्या है भगवान कृष्ण कहते हैं, वो क्रिया क्या क्या है, तो श्लोक नंबर 23 में, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक है। मतलब कि जो कर्म रेगुलर हमें करने हैं अपना कर्तव्य समझकर, वह बिना किसी आसक्ति के, आसक्त नहीं होना, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी राग, बिना किसी द्वेष, यानी बिना किसी प्रेम के, बिना किसी घृणा के, उन सभी चीजों के साथ अगर कोई कर्म, कोई कर्तव्य हम करते हैं बिना किसी कर्म फल की इच्छा से, तो ऐसा कर्म सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो भगवान कहते हैं, जो कार्य अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए किया जाता है ऐसा कार्य रजोगुणी कहलाता है। और जो कर्म मोह, वस्त्र, शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो कर्म शास्त्रीय आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है, जो कर्म दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, जो कर्म हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जो कर्म किसी का विनाश करने के लिए किया जाता है, ऐसे समस्त कर्म को, ऐसे सभी तरह के कर्मों को भगवान कहते हैं ये तामसिक कर्म कहलाते हैं। कोई कर्म अगर इच्छा से किया जाए, अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए किया जाए, सांसारिक इच्छा की पूर्ति करने के लिए किया जाए, तो ऐसा कर्म राजसिक कहलाता है। लेकिन वह कर्म जो आसक्ति से, राग और द्वेष से मुक्त है, जो जिसका कोई कर्म का बंधन, कर्म का फल नहीं है, जो व्यक्ति बिना कर्म के फल की इच्छा से
किसी कार्य को करता है वह कार्य वह कर्म सात्विक कहलाता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे करते हैं। फिर प्रभु कहते हैं कि गुणों के आधार पे तीन प्रकार के श्रमिक होते हैं, तीन प्रकार के कार्य करने वाले होते हैं। कौन कौन से? श्लोक नंबर 26 में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, मतलब कि गुणों से भी ऊपर उठ जाता है मनुष्य और अहंकार से रहित होता है, संकल्प लिए रहता है कि भगवान के दर्शन चाहिए और उत्साह के साथ अपना कर्म करता है बिना किसी फल की इच्छा के, और चाहे उसको फल में सफलता मिले चाहे विफलता मिले उसे विचलित नहीं रहता, ऐसा कर्म सात ऐसा कर्ता यानी कर्म करने वाला कर्ता सात्विक कहलाता है। यहाँ पे कर्ता के बारे में चर्चा की गई है, ऐसा कर्ता जो सभी गुणों से परे होता है, जो किसी प्रकार के अहंकार में नहीं होता, संकल्प के साथ अपना कर्तव्य करता है बिना किसी फल की इच्छा से, ना तो उसे सफलता पाने का इच्छा है ना उसे असफलता पाने का इच्छा है, दोनों से रहित है, ऐसा कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 27 में, लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, एक सेकंड। कुछ इश्यू आ गया है, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है। श्लोक नंबर 27 में कहे भगवान कि जो कार्यकर्ता अपने श्रम के फल की इच्छा से जुड़ा हुआ है ना, वो अपने फल की इच्छा से जुड़ा हुआ है और हमें उसका स्वभाव कैसा है, उसका स्वभाव लालची है, उसका स्वभाव ईर्ष्यालु है, उसका स्वभाव अपवित्र है, किसी भी प्रकार से पवित्र नहीं है, और वह खुशी और संकट से अगर आगे बढ़ता है तो ऐसा कार्यकर्ता राजसिक कार्यकर्ता कहलाता है, क्योंकि उसकी जो भी काम है उसमें कर्म की फल की इच्छा जुड़ी होती है। श्लोक नंबर 28 में भगवान कहते हैं, जो कर्ता हमेशा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध कार्य करता है, जो भी शास्त्र कहते हैं उसके विरुद्ध ही कर्म करता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्य का अपमान करने में पटु है, और जो आलस है, सदैव खिन्न और काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्ता शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है, जो कपटी है, दूसरों का अपमान करने वाला है, आलसी है, हमेशा काम से जी चुराने वाला है, ऐसा व्यक्ति हमेशा तमोगुणी कहलाता है, ऐसा कर्ता काम करने वाला तमोगुणी कहलाता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति फल की आसक्ति को त्याग कर, फल की इच्छा को त्याग कर अपना काम पूर्ण रूप से करता है बिना, और जो गुण सभी गुणों से परे है, जो अहंकार रहित है, संकल्प के साथ अपना कर्तव्य समझ कर काम करता है, और जिसको असफलता और सफलता दोनों से कोई रुचि नहीं है, ऐसा व्यक्ति सात्विक कर्ता होता है। जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा से जुड़ा होता है, जो लालची होता है, जो ईर्ष्यालु होता है, अपवित्र होता है, और जो व्यक्ति इस तरह के काम करता है वो राजसिक कर्ता होता है, और जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों का उल्लंघन करता है, कपटी होता है, हठी होता है, दूसरों का अपमान करने वाला होता है और आलसी होता है ना, और काम से जी चुराने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति तामसिक कहा जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, श्लोक नंबर 29 में कहते हैं भगवान, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, जो प्रकृति के तीन गुण है उसके अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें प्रकृति के तीन गुण के अनुसार यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये जो तीन गुण हैं इनके अनुसार तुम्हें अलग अलग तरह की बुद्धि, लोगों की किस किस प्रकार की बुद्धि होती है और उस बुद्धि से वो किस तरीके से डिसीजन लेते हैं, निर्धारण करते हैं, उनके विषय में बताऊंगा। तो यहाँ पे भगवान अब बताएंगे कि लोगों की बुद्धि के बारे में और गुणों के हिसाब से वो किस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो श्लोक नंबर 30 में भगवान कहते हैं, हे प्रजापुत्र, वो बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है क्या मुक्ति देने वाला है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन,
वह बुद्धि सत्वगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जान पाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें बांधने वाला है, ऐसा कौन सा कर्म है जो हमें मुक्ति देने वाला है। फिर श्लोक नंबर 31 में भगवान कहते हैं, हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसिक है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, इन सारी चीजों में जो बुद्धि भेद नहीं कर पाती, ऐसी बुद्धि राजसिक कही जाती है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म समझती है, धर्म को अधर्म समझती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वो तामसिक। भगवान कहते हैं ऐसी बुद्धि, जो व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करती है, जो बुद्धि मोह और अहंकार से वशीभूत रहती है और अधर्म को धर्म समझती है, अधर्म को अधर्म समझती है, ऐसी तरह की बुद्धि तामसिक कही जाती है। तो जिस जो लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी बुद्धि धर्म और अधर्म के बीच भेद करना जानती है, वह सात्विक बुद्धि है। जो भेद करना नहीं जानती, वो राजसिक बुद्धि है। और जिसकी बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म मानती है, धर्म को अधर्म मानती है, ऐसी बुद्धि तामसिक कही जाती है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, प्रकृति के तीन प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर तीन प्रकार का निर्धारण, निर्धारण यानी क्या डिसीजन, कैसे कोई व्यक्ति डिसीजन कैसे लेता है। अगर कोई व्यक्ति सात्विक व्यवहार वाला है तो उसका डिसीजन किस प्रकार का होता है, राजसिक वाला है तो उसका डिसीजन किस प्रकार का होता है, तामसिक वाला है तो उसका डिसीजन किस प्रकार का होता है, इसको हम देखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके में। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो निश्चय, अगर हम मान लीजिए कोई डिसीजन लेते हैं या कुछ निश्चय करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये काम करना है, ठीक है, तो भगवान कहते हैं वह निश्चय अटूट है जो योग साधना द्वारा प्राप्त होता है। जो व्यक्ति का मन, जीवन और इंद्रियां उसके नियंत्रण में होती है, ऐसा व्यक्ति अगर कोई निश्चय करता है तो ऐसा निश्चय, ऐसा डिसीजन क्या है, सात्विक है। लेकिन हे अर्जुन, 134 श्लोक नंबर श्लोक में कहते हैं, लेकिन हे अर्जुन, जिस घृति यानी जिस निश्चय से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों को में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिस निश्चय से मनुष्य अपने धर्म में, अपने अर्थ में और अपने काम के फल में, मतलब धर्म का भी फल, जो भी काम करे उसके फल में आसक्ति लिए बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य इन फलों में लिप्त रहता है, तो ऐसा जो डिसीजन है, उसका जो निश्चय है, वह राजसिक होता है। फिर भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो घृति यानी निश्चय, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के पड़े नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण घृति तामसी है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जिसका निश्चय सपना, भय, शोक, विषाद तथा मोह के पड़े नहीं जाता, वो सब कुछ अपना निश्चय, उसका निश्चय किस प्रकार होता है, स्वप्न के भांति होता है। आज निश्चय लिया, कल छोड़ दिया, है ना, हमेशा सभी लोग से डरता रहता है, उल्टा सीधा शोक करता है, हमेशा दुख में रहता है और कभी मोह से बाहर नहीं निकल पाता, ऐसा निश्चय तामसिक कहा जाता है, ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे करते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर तीन प्रकार की खुशियां हैं। जो भौतिक प्रकृति है उसके साधनों के आधार पर तीन तरह की खुशियां बताई गई हैं, क्या क्या, श्लोक नंबर 37 में कहे प्रभु, जो खुशी, जो चीज हमें प्रारंभ में विष जैसी लगती है, किंतु अंत में अमृत के समान प्रतीत होती है, जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। हम जब भी भगवान की तपस्या करने जाते हैं, भगवान की पूजा करने जाते हैं, तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग हमें कष्ट होता है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, 16 माला जाप करना पड़ेगा, भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, लेकिन वह चीज हमारे लिए विश्व के समान है, लेकिन आगे चलकर वही चीज हमें सुखद फल देने वाली है। भगवान कहते हैं वो सभी कार्य खुशियां क्या होती हैं, वह खुशी स्टार्टिंग में जो तो विष के समान लगती है, लेकिन आखिर में जाके हमें जो है अमृत के समान लगती है, ऐसा सात्विक, ऐसा जो खुशी है, ऐसी जो खुशी मिलती है, वह खुशी सात्विक खुशी कही जाती है। लेकिन वह सुख जो इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के यूज से, इंद्रियों के इस्तेमाल से जो खुशी हमें मिलती है,
स्टार्टिंग में जब भी हम अपने इंद्रियों को, अपने काम वासनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में तो कुछ पल के लिए हमको खुशी मिलती है, परंतु बाद में दुख मिलता है। तो भगवान कहते हैं स्टार्टिंग में तो अमृत के समान वो सुख रखता है, लेकिन एंड में विष के समान हो जाता है। तो ऐसा जो सुख है, ऐसा खुशी है, ऐसी खुशी राजसिक कही जाती है। और भगवान कहते हैं जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो सुख हमको आत्म साक्षात्कार स्वयं के दर्शन नहीं कराता, स्वयं के बारे में नहीं बताता, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वो तामसिक कहलाता है। तो जो लोग सोने को ही अपना सर्वसुख मानते हैं, जो लोग सिर्फ और सिर्फ नींद में खोए रहते हैं, आलस में खोए रहते हैं, मोह में हमेशा पड़े रहते हैं, जो लोग अपना कल्याण नहीं करना चाहते, जो लोग जानना नहीं चाहते कि वो स्वयं है कौन, जो लोग प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह में डूबे रहते हैं, ऐसी खुशी जो उनको सोचते हैं कि ऐसी खुशी भी एक खुशी है, तो ऐसे लोगों की जो खुशी होती है वह क्या होती है, वह तामसिक होती है। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण यही चीज यहाँ पे कहते हैं। तो ये तीन चीज बताइए आपको कि जो सुख स्टार्टिंग में विष के समान लगता है, लेकिन एंड में अमृत के समान है, और आत्म साक्षात्कार जो खुशी या सुख करा दे, ऐसा खुशी या सुख सात्विक कहा जाता है। जो सुख इंद्रिय और विषयों की पूर्ति के लिए होता है, स्टार्टिंग में तो विष अमृत के समान लगता है, एंड में विष के समान लगता है, तो ऐसी चीजें, ऐसा सुख, ऐसी खुशी राजसिक होती है। और ऐसा सुख जो आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो सुख हमें निद्रा में मिलता है, आलस में मिलता है, प्रमाद में मिलता है, तो इस तरह के जो भी सुख है वह सुख सभी के सभी तामसिक सुख कहे जाते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ही कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 18 आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो 39 श्लोक है वो कल करेंगे, और कल भगवद गीता को पूर्ण करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, करके हैंड रेज कर सकते हैं, या अपने प्रश्न को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो करके मैं सबके प्रश्न देना। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। अपने प्रश्न लिख सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। बिल्कुल माता जी, मैं श्लोक नंबर 18 फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है, श्लोक नंबर 18 को। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। वो ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान ज्ञे और ज्ञाता। ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञे यानी किसी को अगर ज्ञान दिया जाता है तो उसको कहते हैं ज्ञे, यानी ज्ञान ग्रहण करने वाले को कहते हैं ज्ञे, और जो ज्ञान को जानता है उसको कहते हैं ज्ञाता। भगवान कहते हैं ये तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण, यानी कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण क्या है, ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता। इंद्रियां, जो हमारी इंद्रियां हैं, कर्म तथा कर्ता, यानी कर्म, और कर्म किसके द्वारा किया जाता है, कर्ता के द्वारा। कर्ता क्यों कर्म करता है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। ये तीन कर्म के संघटक है, मतलब कि कोई भी कर्म करने के संघटक, कर्म करने की जो आप कह सकते चीजें, किस चीज से कर्म किया जाता है, तो हमारी इंद्रियों के द्वारा अगर हम कोई चीज देखते हैं तो कुछ कर्म करते हैं, है ना। कर्म यानी जो भी काम हम करते हैं, करता है जो व्यक्ति कर्म करता है, तीनों कर्म के अस्त्र हैं। और भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञान लेने वाला और ज्ञान देने वाला, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे कहते हैं। हरे कृष्ण। और किसी कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, तो आप लोग हैंड रेज़ कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आपके प्रश्न। हरे कृष्ण जी। और किसी कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं प्रश्न।
चलिए कोई क्वेश्चन नहीं आप लोग का, तो ये चैप्टर यहीं पे एंड करते हैं, चैप्टर नंबर 18 का पार्ट 1। अब जो आखिरी पार्ट है कल होगा, अब कल संपूर्ण भगवद गीता होगी, ठीक है, तो सभी लोग निश्चित रूप से प्रेजेंट रहिएगा। तो कल आप लोग को अच्छी चीजें बताई जाएंगी यहाँ पे, है ना, और कल एंड ऑफ द भगवद गीता होगा, तो सभी लोग उपस्थित रहिएगा। और कल आखिरी दिन है, तो सब लोग अच्छे से जो भी आपको पढ़ाया गया है वो सारी चीज आपको पढ़ते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, ठीक है। और फिर कल मिलते हैं फिर आखिरी चैप्टर के साथ, और अच्छे से इसको करेंगे। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा सभी।